गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ सुलेखा और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जर्मनी में हम कहाँ रहते हैं। तो चलिए फिर। चलिए कुछ जानकारी ले ली जाए। पहले इंगोलस्टाट बेवेरिया स्टेट का एक छोटा सा शहर है जो कि म्यूनिक एयरपोर्ट से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। इंगोलस्टाट सबसे बड़े प्रीमियम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स में से एक ऑडी के हेडक्वार्टर्स के रूप में भी विश्व प्रसिद्ध है। आज तो हम काफ़ी खुशनसीब हैं, वरना तो यहाँ सर्दियों में धूप के दर्शन ही नहीं मिलते। ये सिटी का सबसे बड़ा पार्क एंड राइड सेंट्रल पार्किंग है, जहाँ पे दूसरे शहरों से आने वाले लोग अपनी कार पार्क करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सिटी में ट्रैवल करते हैं। ऐसे पार्किंग टिकट वेंडिंग मशीन्स को पार्क शाइन ऑटोमैट कहते हैं, जहाँ से आप आसानी से कैश या फिर कार्ड से कॉन्टैक्टलेस टिकट ले सकते हैं। और हाँ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फ्यूचर को देखते हुए हर पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, कोविड के दौरान सिटी के इनर सर्कल में मास्क अनिवार्य है, जिसे मुंडशुटपफ्लिस्ट कहते हैं। यहां के लेफ्ट सेक्शन से इंटरसिटी और म्यूनिक एयरपोर्ट के लिए बस मिलती है, जबकि राइट सेक्शन से इंट्रासिटी बसेस चलती है। इस जगह को सेंट्रल ओमनीबस बाहनहोव कहते हैं, जिसका मतलब सेंट्रल बस टर्मिनल होता है। या तो आप पहले से ही इन टिकट वेंडिंग मशीन्स से टिकट खरीद सकते हैं, कैश से भी और कार्ड से भी, या फिर सीधा बस ड्राइवर से भी खरीद सकते हैं। और हाँ, बिना टिकट ट्रैवल करने पे 60 यूरो तक का फाइन भी लग सकता है। जर्मनी के हर शहर में आपको जगह जगह पर बेकरीज और सुपरमार्केट्स मिल जाएंगे, जहां से लोग फ्रेश ब्रेड, चीज और बाकी रोजमर्रा की चीजें लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये है सिटी की मेन शॉपिंग स्ट्रीट, जहां आपको कपड़ों के मेगा स्टोर्स से लेकर हर तरह के खाने पीने के आउटलेट्स मिल जाएंगे। अमूमन हर साल क्रिसमस के समय यहां पर नवंबर एंड से ही क्रिसमस मार्केट लगता है, जिसे जर्मन में वाइनाक्ट्स मार्क्ट या फिर क्रिसकिंडल मार्क्ट कहते हैं। और यहाँ शाम को इतनी चहल पहल रहती है कि चलने की जगह नहीं मिलती।
लेकिन इस साल कोविड की वजह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक दो स्टॉल्स को ही अनुमति मिली है। ये है इंगोलस्टाट का कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेंटर, जिसे कुंडन सेंटर भी कहते हैं। आज बाहर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो फिर एक गर्म कॉफी ब्रेक हो जाए। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ का मार्केट प्लेस है। यहाँ पे हर वेंसडे और सैटरडे मार्केट लगती है, लेकिन कोविड की वजह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा जगह एकदम खाली सा हो गया है। बाकी विकसित शहरों की तरह ही इंगोलस्टाट भी दानूबे नदी के तट पे बसा है, जो कि जर्मन में डोनाउ कहलाता है। ये यूरोप का दूसरा सबसे लंबा नदी है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट इलाके से शुरू होकर 10 देशों को पार करके ब्लैक सी में समा जाता है। अगर आप यूरोप के ब्रिजेस से वाकिफ हैं, तो ये तालों का नज़ारा आपके लिए नया नहीं होगा। इस दरवाजे से घुसते ही लेफ्ट में बवेरिया का पुलिस म्यूजियम है, जिसे बायरिशियस पोलिसाई म्यूजियम कहा जाता है, और राइट साइड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का म्यूजियम है, जो म्यूजियम दिस एस्टन वेल क्रीक्स के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, ये है इंगोलस्टाट का सेंट्रल पार्क, जिसे यहाँ पे क्लेंजर पार्क कहते हैं। हम यहाँ पे अक्सर आया करते हैं, कभी कुछ पिकनिक करने या फिर गेट टुगेदर हो या यूं ही वॉक करने ही चले जाते हैं हम यहाँ। फिलहाल सुनसान दिख रही डानूबे रिवर फ्रंट पे गर्मियों में काफी भीड़ इकट्ठा होती है। ये न्यू कैसल है, जिसे नॉयस स्लॉस कहा जाता है, और इसके साथ जुड़ा हुआ बवेरिया का आर्मी म्यूजियम भी है, जो जर्मन में बायरिशियस आर्मी म्यूजियम कहलाता है। सामने की बड़ी बिल्डिंग इंगोलस्टाट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जिसे टेक्निशे होकशुल इंगोलस्टाट कहते हैं, और ये THI के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह घूमते घूमते हम घर की तरफ आ चुके। तो ये थी कुछ झलकियां छोटे से शहर इंगोलस्टाट की। इस शहर के बारे में और यहाँ के रहन सहन के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।